धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर राजस्थान की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 24,85,286 है तथा क्षेत्र में 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या में कुल वृद्धि दर 26.31% रही है। जिले में शहरी आबादी कम है, ग्रामीण आबादी 92.41% है। ग्रामीण आबादी अधिक होने से स्पष्ट है कि अधिकतर लोग अभी भी कृषि या सहायक गतिविधियों से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं तथा ग्रामीण अंचल के लोग बीमार होने पर निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाने में मजबूर होते हैं। क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों मरीज गाड़ियों से जांच हेतु इलाज के लिए गुजरात जाते हैं, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान है और समय बर्बाद होता है तथा उसमें मृत्यु भी होती है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के लोग गुजरात के निजी अस्पतालों में महंगा इलाज लेकर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ मातृ एवं शिशु दर में कमी के कारण प्रसवों में भी पूर्ण जांच की भूमिका नहीं होने के कारण वहां भी मृत्यु होती है। ग्रामीणों क्षेत्रों में जागरूकता कम होने तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रथम 3 माह में पंजीकरण करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है। आज भी घरेलू प्रसव प्रतिशत 18.8 से 31.4 है, जिससे जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं की मृत्यु दर व मातृत्व मृत्यु दर बढ़ जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि मेरे पास जमीन है, भामाशाह है, पैसा देने के लिए हम तैयार है। अंतिम व्यक्ति तक गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, इसके लिए जालौर सिरोही जिला केंद्र पर 1000 बिस्तर वाला मेडिकल कॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं मेडिकल कॉलेज जालौर सिरोही को दिया जाए। धन्यवाद।